यह जो दृश्य देख रहे हैं यह दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड का है। देखते देखते धराशाही हो गया अस्पताल। 4 लाख की लागत से भवन का हुआ था जीर्णोद्धार। इस क्षेत्र में हर साल बाढ़ का तांडव रूप रहता है, लेकिन प्राकृतिक आपदा है, लोग करें तो करें क्या। यहाँ के रहने वाले लोग अपने तरफ से पूरी तैयारी करते हैं, लेकिन भगवान की जो मर्जी होता है वही होता है। कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड में बाढ़ ने दस्तक देते हुए धीरे धीरे तबाही मचाना शुरू कर दिया। बाढ़ की तेज रफ्तार ने इटहर पंचायत के समेरा गांव में बने हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर को शनिवार पानी की तेज रफ्तार ने धराशाही कर दिया। कुछ दिन पूर्व ही भवन का 4 लाख की लागत से जीर्णोद्धार हुआ था। इस स्वास्थ्य केंद्र से करीब 4 लाख लोग फायदा लेते थे। लोगों में काफ़ी दहशत है, आप देख रहे हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी है। इस हेल्थ सेंटर के चारों तरफ पानी लगा हुआ है, क्योंकि यह नदी के किनारे बना हुआ हेल्थ सेंटर है, जैसा कि वहां के लोगों ने कहा। अब लोग जाएं तो जाएं कहां, वहां के लोगों ने क्या कहा आप स्वयं सुने। वहीं इस हेल्थ सेंटर के मैनेजर का कहना है कि विभाग को हमने जानकारी दे दी है, अब आगे की काम विभाग के द्वारा ही किया जाएगा, हमने पूरी जानकारी विभाग को दे दिया है। दरभंगा दर्शन से मनोज झा। ये तो सर बाढ़ का पानी आया है, इस वजह से हुआ है, और बाढ़ का पानी अचानक आया 1-2 दिन में, और वो वहाँ का जो बहाव था ना, बस हॉस्पिटल के जस्ट बगल से बहाव था, जो 2-3 साल से उसी होके पानी गुजरता था, तो वो जिस होके बहाव था वहाँ उस बहाव को जो है सो बगल के ग्रामीण उसरी घाट का कोई पर्सन जो है सो वहाँ पे जो है सो पूरा उस रास्ता को जो है सो बंद कर दिया है, और उस पानी का बहाव जो है सो उस होके नहीं होकर के सीधे हॉस्पिटल के तरफ गया, जिसके कारण हॉस्पिटल गिरा हुआ। कठिनाई ये हुई है सर, उस एरिया का जितना भी लोग वहाँ पे उपचार के लिए पहुँचते थे उन लोग को दिक्कत हुआ, और उसके अगल बगल में आपको 3-4 गांव है, जैसे जस्ट समोरा हो गया जिसमें 2 वार्ड पड़ता है, बगल में उसरी घाट है, पीछे आपको सगरदीना है, सिमराई है, बगल में उसरी के बगल में हरिनाई है, लगभग लगभग इतने गांव के लोग वहाँ पहुँचते थे। कम से कम 3,350 लोग प्रभावित हो रहे हैं उससे। उसके लिए जो है सो ग्रामीण स्तर से भी इन्फॉर्मेशन दिया गया, मतलब जितने भी प्रतिनिधि टाइप के लोग हैं उन सबको ही हम लोग देंगे, और ग्रामीण के नाते हमारे ग्राम में वो स्वास्थ्य केंद्र है, उसको बचाव के लिए ग्रामीण के नाते हम लोग भी उसको मना किए, हद तक मना किए, समझाने का भी कोशिश किए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था, तो हम लोग को लगा लीगल तौर से जाना चाहिए था, तो लीगल रूप में हम लोग को जो भी सामने में प्रतिनिधि नज़र आए उन सबको बोला गया, और बहुत बार बोला गया, तो उस पर जो है सो कार्रवाई करने की जब तक कोशिश हुई, हमको लगता है बहुत लेट से हुई, कार्रवाई करने की जब तक कोशिश हुई तब तक ये जो है सो बाढ़ अपनी चपेट में ले लिया। सर अगर इस तरह का अतिक्रमण बगल इधर पंचायत के समोरा गांव में जो स्वास्थ्य उपकेंद्र आज बाढ़ के पानी के कारण गिर गई है, समोरा का स्वास्थ्य उपकेंद्र, ये बिल्डिंग 2014 में बनाई गई थी ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा। वर्ष 2021 में हम लोगों को अपने विभाग से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उस उपकेंद्र को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित कर स्टार्ट करने या कार्य आरंभ करने के लिए निर्देश प्राप्त हुआ। ग्रामीण कार्य विभाग से पत्राचार किए, पत्राचार करने के बाद हमको ये बिल्डिंग 22 फरवरी 2021 को हस्तगत हुआ, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित कर दिए, कार्य आरंभ किए उसमें, लेकिन दुर्भाग्यवश बाढ़ के पानी के कारण वो बिल्डिंग गिर गई। इसके लिए जो निर्माण कराया वो जिम्मेवार होंगे, हम लोग को तो इसमें कहीं कोई लेना देना नहीं है, हम तो सिर्फ हम लोग को जो विभाग से मिला गया था और बिल्डिंग के चारों साइड का जो नींव था वहाँ का मिट्टी करते करते नीचे तक कट गया, बेस उसका बेस में मिट्टी रहा पकड़ रहा नहीं, जिस वजह से वो मेरे ख्याल से उसी हिसाब से करंट के कारण बिल्डिंग गिरा दीवार उसका।